आवांगे देखन नाले पटांगे पूरे चाले पालूंगा अंधी जाफी I am happy, oh very very happy, oh very very happy, happy happy happy. अरे happy क्यों रहता रहा? कुछ भी नहीं. बेटे इबाल तो ना सिर्फ देखने वाले आवेंगे. जहाँ दिल लग रहा तो अपने आप नाचने. जितना ब्याह हो जाएगा नहीं फिर तो ना बगानी जाए चाहिए क्या का? यार एक तो हम सारे के सारे नेगेटिव बात तक क्यों करेगा? What nonsense? जितना पता था कि ब्याह की इतनी साइड इफेक्ट है तो फिर था ना क्यों कराया था ब्याह? अरे फिर माना थोड़ी पता था कभी मार गया नूनू बन जाएगी. अच्छा तो फिर जिस तरह यह बार बार ज्ञान की बरसात करना था मेरे लवाजनिया स्त्री तरफ बनी किसी ने कोई ज्ञान का टुपका फेंका था. नूनू तो कह कर रहे थे मरते भी पर उस टाइम तो माना चोर चढ़ रहा था फिर बाद में लगा सही पता तो. तो फिर मैं भी तो इसी धरती लोक का प्राणी हूँ. मैं कौन सा किसी दूसरा ग्रह बता रहे हूँ मरना भी ब्याह पीछा लगा पता. अरे फिर मैं इतना टाण थोड़ी लग रहा हूँ अगर तो ब्याह ना करावा. मैं तो तना नू लग रहा है अगर भी इतना उछलने की लोड नहीं जो ये ब्याह का लड्डू होगा नी यू सिर्फ हाथ मलियो सोना लगा खाए पीछा तो छत्ती रोग लावा. जैसे की अपने ऐसे सीख रहा ये हम कलयुग के लोग कहना तो यहाँ बहुत कुछ चाहवा पर कहना ही नाम था नहीं. अरे क्या बात है बड़ी टेंशन सी में बैठे हो. अरे यार क्या करा सारी फसल खराब लग रही होनी जनवी चलता रहा तो पैदावार नहीं होनी की. तो फिर टेंशन क्यों ले रहा इन सब की जानकारी तो भारत एग्री एप्लीकेशन पर ले करना. भारत एग्री एप्लीकेशन यू की चीज़ आ. देख मैं दिखाऊंगा ना अपना फोन में भारत एग्री एप्लीकेशन इंस्टॉल कर और उस पर लॉगिन कर. इस पर सारी फसलों की जानकारी आ. इसमें अपनी फसल सिलेक्ट कर उसमें तना कद सिंचाई करनी है कद उसकी कटाई करनी है कौन सी उसमें दवाई गिरनी है इसकी सारी जानकारी तना इस पर मिलेगी. और हाँ अगर तना फिर भी ना कुछ समझ आवा तो इस पर एक्सपर्ट पर कॉल करके बात भी कर सका. और इसमें कृषि दुकान भी आ जिस पर ता तो बीज और दवाई ऑनलाइन ऑर्डर कर सका. इस भारत एग्री एप्लीकेशन था सारे किसानों की पैदावार दुगनी होगी. वाह भाई वाह ये तो बहुत बढ़िया है. धन्यवाद यार तेरे इस ऐप के बारे में बताना बचते. तो सारे किसान भाइयों थम भी डाउनलोड करो भारत एग्री एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में. इस एप्लीकेशन का तरक्की है पक्की. यार कल मना देखने ले आवांगे तो मैं क्या करूं? करना क्या था दिख जिए. अरे दिखूंगा तो है पर मैं समझ नहीं आ रहा कि किस तरह दिखूं. ले दिखने में समझने वाला के चक्कर आ. अरे मेरा मतलब कि अलग सी तरिया किस तरह दिखूं. अलग सी तरिया कन्नू करिए सिर नीचा टांग ऊपर कर लिए. तो जाम जिस तरह का था बाद में होया. ले ये बाप को तो लग रहा था कहना मना अलग सी तरिया दिखना अलग से तो नहीं दिखेगा भी. अरे अलग सा था मेरा मतलब कि बढ़िया डाल किस तरह दिखूं जिस तरह मेरा पूरा इंप्रेशन पड़ा. अच्छा इंप्रेशन पाना के फेनू करिए जब तो उनके सामने जाएगा नहीं अपने गिल्ला चार पांच बंदे लीजिए. जब तेरे आगे पीछे बंदे होंगे नहीं तो तेरा पूरा रोप पड़ेगा. इंप्रेस करने वहां डराने नहीं है चार पांच बंदे के लाइए. और जो नम चार पांच मत ही कोई सा पसंद आ गया फिर क्या करूंगा मैं. हाँ भाई खैर यह बात भी आ पर यह बात मैं तेरी सिर्फ एक शर्त में मान सकूं के जे चारों पांचों तेरा वर्गे मिलते हो क्योंकि जे सारे के सारे तेरा वर्गे होंगे नहीं तो फिर तुम बनना ही पसंद करेंगे. के कुछ नहीं. नहीं नहीं के मतलब है तेरा. अरे कुछ नहीं है मतलब बेकार है तो आइडिया तुम और सोच कुछ. आइडिया फिर अपन नु करा तेरा बड़े से स्टाइल बनवा के लावा तो पूरा एंडी लगेगा. अपना गांव वाला रोहित गंजा देखा. हां उसकी बहुत सारा गामा सबता सुनी है तो इन एयर स्टाइल तो कुछ नहीं होता और सोच कुछ बढ़िया सा. और के सोचा फिर अपन करा तेरे मुंह पर फेशियल स्क्रब क्रीम कुछ ते कुछ अड़गम सड़गम लुआ का तेरा रेती रुती मरवा का तना जमी गोरा चिट्टा कटवा दा. जब तो उनके सामने आएगा नी दूर ते लस्कारे पड़ेंगे लस्कारे अंखा में चौंधक लगेगी. अरे तुम गोरा चिट्टा और कितने चिट्टा कटवागा तुम न्यू गेम तेन थोड़ी दिखाना अभी मेरी माँ इंग्लैंड किया. अरु भी यहाँ गोरे चिट्टे लिकड़न वाली बात हो तो थोड़ी कमो करे कर. अरे भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? एक तो तना आईडिया लग रहा है बता ऊपर से तू मेरी माटी लग रहा है कुटन. अरे मैं कुछ जाने का कुटू तेरी माटी तू इसी सी बात करके अपना आप कटवा लिया अभी तो बढ़िया से सोचना कुछ. आइडिया के यू आईडी ना बता दमे अरे तो इसने भी कैंसिल कर देगा. यू आईडी तो ना अमल होने के बाद पता लग गया. चल अरे एक मिनट सुन तो ले भी. चल 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 यू के चक्कर है भाई ये बाल तुम्हारे छोरे का रिश्ता पक्का नहीं होया. अरे ये बैंड बाजे वाले पहले आ लिए. ओ भाई साहब ये बाल तुम्हारे छोरे ना सिर्फ देखने वाले आवेंगे ब्याह भी कोनी अंदाल थम की न बुला लिए. अरे पापा मैं कोई बैंड बाजे वाला नहीं हूं मैं तो वही हूं जिन्हें कल ना देखने वाले आवेंगे. हैं तो यू के जुलूस काट रखे थे ना
ले बिस्तरे कपड़े दुआ का मुगा जद कल टना देखने वाले आओगे नी तो दूर दा चमकागा। अरे नु केवे गांव की फिरनी पता थोड़ी देख के जावेंगे, आवेंगे तो घर ही और लवा बिठा के देखेंगे, तो इसमें दूर तक चमकने वाला क्या चक्कर आ। मना कह था इसका पर यू मन नहीं मेरी धक्का दा भरा लिया लैनू के तो नैना आग भाई धक्के भरा लाया ओछ नहीं तो तेरा भी हो होगी। आहो ताऊ इस ना कहे था मिट्टे कि कल मना देखने वाले आवेंगे, कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे मैं अलग सा दिखूं और मेरा देख दी रिश्ता पक्का करता तो मना दिखा दिया अलग सा। अरे सोरे रंग बिरंगे से तेरा मामा बन रहा बचोला और जिस साहब तेरा जुलूस काट रखा है नी तेरे रिश्ते की तो छोड़ मना तेन लगा कभी मैं तेरी माना भी नहीं पुट्ठी ले जा। अरे जा लग जा पुट्ठी देखा है कपड़े और कोई ऐसे कपड़े पहन ले जिनका कोई मुंह सिर भी हो। ले पापा किसी बात कर रहे तो मुंह सिर तो मेरा अभी कपड़े का थोड़ी मुंह सिर होए करा। अरे मेरे कहने का मतलब आ कि कोई चदसूर के कपड़े पहन लिए कर रहा तो होगा ना। बस ठीक है तुम भी इभी तो नर्वस हो रहा है करेगा। अच्छा चौधरी साहब क्या बच्चे हैं आपका? बस जी अपना पतो ले दे का एक ही छोरा। अरे ले दे काले के चक्करा मन के बेरा बीच दे पूछ भी। चौधरी साहब यू ले दे काले के चक्करा चक्कर क्यों होता जी वो तो हूं कहना माजा कभी ले दे गए की आ। अच्छा अच्छा आपने भी तोड़ी ब्रेक मार लिए एक आधा चक्कर और जम लंदे हैं यू अब तक हिसाब दे कर दे जोंदा तो पूरा एक ही होता भी। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब भी एक दो चक्कर और कर लंदे। अच्छा देखो जी मारी तो एक ही सोचा अगर भी जो अपना मन कवा वह मान लियो और गिदड़ा का झुंड इकट्ठा करने का क्या फायदा इससे बढ़िया तो शेर जैसा एक ही जाम लियो। ओए होए होए अरे बेटा क्या बात है कहाँ चलिया? आप पकौड़ी भूल आया था अंदर वह लेने जाऊंगा। अरे पकौड़ी में कुछ नहीं हो रहा नहीं लिया चार आजा बैठ जा। राम इसका शेर जैसा छोरा यू ही आगे। आहो ठीक है बात। अच्छा चौधरी साहब जमीन जून कितनी आवा अपने पास? देखो जी जमीन तो थोड़ी आ दो एक किले है जमीन के तो बाकी थोड़े बहुत डंगर रख रखे इनका दूध पा दिया काम ठीक चल रहा। अच्छा छोरा क्या कर रहा जी आपका? इबाल तो नहीं कुछ करदा बाकी बहुत जल्द कर देगा। मतलब जी ई भी तो मेरे गेले खेतों का डंगर डूंगरा का थोड़ा बहुत काम करा दिया बाकी पढ़ाई चल रही इसकी और भी बथेरा कुछ लग रहा है सीखन तो थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ तो कर ही देगा क्योंकि आज के टाइम में कोई बेला तो रहता नहीं आगे नहीं। अच्छा बेटे तुम बता तो क्या बनना चाहवा? देखो जी बनना तो सारे मुकेश अंबानी चाहवा सबो चाहवा कि उनपा बड़ा तगड़ा बंगला हो बड़ी बड़ी गड्डिया हो आत्मा तगड़ी पावर हो पर सारे बन थोड़ी जावा अपो तो ईमानदारी तर मेहनत अपना काम करेंगे बाकी तो परमात्मा की मर्जी है जड़ा तक ले जाने होंगे ले जाएगा भी। अच्छा बेटे तेरे में कोई आप तो नहीं आ मतलब कोई नशा तो नहीं करता? कमाल कर रहे हो जी आप भी इमे अपने मुंह तो अपनी बुराई थोड़ी करूंगा अपना बारे में तो सब अच्छा ही बतावा या बात तो अपना गम राम मत पता लगेगी। हाँ पर बाकी पूछो एन तसल्ली दा कहीं बंदे ना क्योंकि एक अद्धा तो जलन वाला भी हुआ तो बन जी मारेगा भी। अच्छा चौधरी साहब कोई डिमांड तो नहीं आपकी? ना जी ना यह कैसी बात कर दिया अपना भला जिसने अपनी छोरी दे दी तो समझ लो उसने अपना सब कुछ दे दिया और वो भी जिसका अपने घर ते नहीं पूरा पटा उसका दूसरे के घर ते के पूरा पटेगा। देखो जी अपनी तो एक ही सोचा अगर भाई छोरा और छोरी एक दूसरे ना पसंद कर लो यहाँ खुश रहने चाहिए बस अपनी तो ये सीमा में हो जा। ठीक है वाह चौधरी साहब। मंगे राम यूं तो सिस्टम ठीक आ छोरा सोना भी आ समझदार भी आ बाप भी ठीक आ इज्जतदार परिवार आ और ना कोई डिमांड आ
पर इन बटन जमीन तो नहीं आती और ना छोर सरकारी नौकरी है। बापू किस बेस पर रिश्ता करा? देखो जी, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपकी लड़की आज इसमें अपने ठीक लगे उसको करो, बाकी अगले ने कोई झूठ तो बोले नहीं है, सब सच सच लग रहा है बोलन। और छोकरा आपने देख ही लिया, छोकरा समझदार आ, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेगा, वह कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप सिर्फ इसी उम्मीद पर कर सकते ना कि बाय चांस कलना ना कुछ करे तो कुछ ना कुछ बैकअप तो होना चाहिए। चलो देख लियो, आपकी मर्जी है, जिसने अपने ठीक लगा, बाकी डायरेक्ट ना करियो, कुछ ना कुछ बनना मार का जवाब दे दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वह तो मैं साहब कर लूंगा बात। देखो चौधरी साहब, मन्ना सारा कुछ पसंद आ, पर बात यह कि मारी छोरी है पढ़ी लिखी, वो कल्ला नौकरी भी करेगी और अंदर बाहर भी जाएगी। आपनु बता दो, आपने इस चीज़ से कोई दिक्कत आ गई नहीं? देखो जी, आपने तो यही सोचा अक भाई यूं तो दी बहू घर में ही ठीक लगा, बाकी आजकल जमाना थोड़ा बदल भी रहा, तो यह चीज तो छोरे के हाथ में, अक भाई ये नौकरी कराएगा अक नहीं कराएगा। इस तरह के शॉट्स लगाते रहे, क्योंकि ओवर में अगर बाउंड्री आएगी तो फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर आ जाता है। अच्छा बेटे, तुम बता तो नौकरी करवाएगा कि नहीं? देखो जी, यह सब तो बात की बात है, ना तो मैनू कहता कि मैं नौकरी कराऊंगा और ना मैनू कहता कि मैं नौकरी नहीं कराता, क्योंकि अगर भगवान ने मेरा ही काम बढ़िया चला दिया तो फिर तो ना बार धक्के खाने की और फालतू टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। पर भगवान ना करा अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि मेरा कल्ला ही काम करे तो पूरा ही नहीं पटा, तो फिर तो नौकरी की दिहाड़ी भी करनी पड़ेगी। ये गेंद गई है फलक में। अरुण भी ना तो इन बातों का आपना कोई मतलब और ना मेरा बाप ना कोई मतलब, क्योंकि ब्याह मारा होगा जिंदगी माना काटनी, तो इन बातों की सलाह तो मामा आपस में करेंगे भी। सारा गया था ना तो बैठ जाना थोड़ा सा टाइम बाद मंजा पा। ये गेंद गई है एक बार फिर दर्शक दीर्घ में। अच्छा चौधरी साहब, कोई नहीं, बताओगे थोड़े दिन में सलाह करगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, जिस तरह आपने ठीक लगा उस तरह करो। अच्छा जी राम राम। अच्छा जी राम राम जी। एरा आए थे तुम देखने आज? आखो आए थे। फिर कर गए रिश्ता? इबाल को नहीं कर गए। और इबाल तो घी का पीपा देकर गए हैं। घी का पीपा? आखो नु कहते थे घी का पीपा खाकर थोड़ा तकड़ा हो जा, 6 महीने पीछे दोबारा आवेंगे फिर कर जाएंगे। हैं? और जे कहते घी का पीपा खाकर भी तकड़ा नहीं होया फिर गई थी अगले की छोरी डूबण दा तो सही है, घी का पीपा ही डूब जाएगा। अरे ले नु थोड़ी होया करा, ढंग से बता देना कहते नहीं करोगे। अरे मन्ने के पर अभी कहते नहीं कर गए, मैं कौन सा उनका, मैं बढ़ रहा हूं अपनी दी यार सारा कुछ पूछ कर। पहले तो बोले क्या हूं तो मारा सारा कुछ पसंद आ, पर थोड़े दिन में सलाह कर बताओगे। बाकी मेरे साहब ते ये थोड़े दिन वाली सलाह कदी हो तो कर देनी आ। नहीं होगी, नहीं सी मैं की कर सकूं इसमें। चल छोड़, अपने ऐसी तैसी कराने दे, चल अपन तो मिलने में चाहगा। हाँ आ जा। राम राम जी राम राम। आओ जी बैठो। यू है छोरा देख लो। अच्छा चौधरी साहब, क्या कुछ कारोबार अपना? अपने पाजी 10 तो किले आ, और कल्ला छोरा और छोरा भी सरकारी नौकरी आ, परमात्मा ने सारी तरह की मौज कर रखी आ। वाह जी वाह, तो बहुत अच्छी बात आ। बाकी घर बार आप देख ही सका, और फिर भी था ना कोई डाउट हो तो आप गांव आराम में पता भी कर सका। ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं आ। देखो छोरा माना पसंद आ, बाकी आपने बता दो भी आपकी कोई डिमांड तो नहीं आ, क्योंकि मार पास देन लेन ना कुछ नहीं आ, मार पास सिर्फ पढ़ी लिखी समझदार गरीब छोकरी आ। ना जी ना, डिमांड क्या की थी, परमात्मा ने सारी चीज दे रखी आ। वाह जी बस ये सुनना था आपके मुँह से, यो पकड़ो रबिया मारी अंदर रिश्ता पक्का। एक मिनट। है क्यों नहीं है डिमांड, गड्डी चाहिए वो भी क्रेटा टॉप मॉडल। शाबाश। I am proud of you.
बिल्कुल सही पहचान है अपना, मैं वही हूँ जिन आप कई दिन पहला देखने आए थे। और जिसका अपना सिर्फ इस कर का जवाब दिया था क्योंकि ना तो मेरे पास जमीन थी और ना मेरे पास सरकारी नौकरी। फिर इस मां गलत क्या, ना तो तेरे को सरकारी नौकरी ना तेरे को जमीन, तेरी गल्ला ब्याह करके मान थोड़ी भूखी थोड़ी मारनी। बिल्कुल सही बात है, माननी भी नहीं चाहिए क्योंकि केव तो मारा अगर तो रोटी पक दे भी होंगी एक नहीं तो फिर इस पर तो जमीन भी यार सरकारी नौकरी भी आ तो करो रिश्ता। बस इन गल भी कह रिश्ता कराया तो कच्चे बंदे लगड़े ने तो गड्डी डिमांड कर दी। अच्छा मतलब इनकी डिमांड डिमांड और थारी डिमांड कुछ नहीं? मन ने क्या डिमांड करी है? क्यों सरकारी नौकरी यार जमीन बालनी या डिमांड नहीं है? लाइस में डिमांड के थी तो अपनी दी बेटी बात का अच्छा घर बार देखी है। हाँ तो फिर दिख तो गया अच्छा घर बारे, करो ना रिश्ता। अच्छा घर बार उस घर के सदस्यों की सोच तो है करा, उनका व्यवहार तो है करा, पैसे तो नहीं क्योंकि पैसे तो कल या नहीं थे आज आए यहाँ कल ना फिर नहीं उनके क्योंकि टाइम तो बदलता रहा पर बंदा तो वही रहेगा नहीं। और जथा मैं अपना घर आता जमीन की यार सरकारी नौकरी की डिमांड लेगा लिखड़ा नहीं आ तो फिर डिमांड तो अगला की भी हो सका। अरे इन्होंने थारी दोनों डिमांड पूरी कर दी तो फिर इनकी डिमांड थम पूरी करो और अगर नहीं कर सकते तो फिर इतना बड़ा मुंह बावा क्यों आ। था ना वह कहावत नहीं सुनी के कि बंदा ना उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हुआ। था ना इनकी जमीन देख ली, नौकरी देख ली, घर देख लिया पर था ना इसका तो नहीं पता यू किस तरह का। जे ब्याह पीछा इन्हें नौकरी भी छोड़ दी यार सारी जमीन बेच कर डिफाल्टरपना मंडा दी फिर क्या करेंगे थम। और चल छोड़ दो उस बात ने भी, जे था ना इनकी डिमांड भी पूरी नहीं करी और फिर भी किस तरह ना किस तरह क्या सुनकर रिश्ता कर दिया तो यहाँ सारी उम्र नहीं थारी छोरी ना जून देने के। और अगर था ना अपनी छोरी की खुशी वास्ता कर्जा ठाका गड्डी दे भी दी तो फिर थारी नहीं जिंदगी रहने की क्योंकि था हम कदले कर्जा भुगत दे फिरेंगे। इस सिचुएशन में या तो थारी जिंदगी नरक बनाएगी या फिर थारी छोरी की। मैं बड़े की इज्जत करूँ क्योंकि बहुत सारे काम मां वहाँ सही हैं पर कुछ काम ऐसे हैं जिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक परंपरा सोच का शुरू तक लेकर ईब लग गलत कर दे आ रहे हैं। हमारी 80% ताई चाची बुआ मामी बंदे गेला नहीं सिर्फ जमीना गेला ब्याह रखिया रिश्ता करने गए अखनु क्या किले आवा छोरा ना अखनु क्या आवा 15 किले अच्छा या फिर पकड़ रुपया रिश्ता पक्का अखनु छोरा देख लियो छोरा के देखना यार 15 किले दी गया फिर बाद में लोटरी में कोई शराबी लिगड़ा कोई नशेड़ी लिगड़ा कोई डिफाल्टर लिगड़ा। और जब वह छोरी घर जाकर रोआ फिर अगर तेन कह दे आख बेटी तेरी किस्मत थी यार किस्मत किस चीज़ करावागी किस्मत तो फोड़ दी था ना लाल चमाक अपने हथों उन 15 किले का फायदा क्या जो उन्हें सामभ वाला ही नहीं ढंग सर कोया। और आज भी वही सिस्टम चल रहा आज लोगों पर जमीन तो थोड़ी रह रही है आज सरकारी नौकरी देख दे फिर सुख चैनता तो खाई हुई सुख की रोटी भी बथेरी होगा और क्लेश करका तो चाहे 56 पकवान भी खा ले उसका भी कोई फायदा नहीं। आज तक एक भी छोरी तने ऐसी देखी आ जो किसी अच्छा घर में जाएगा भले ही वह कितना ही गरीब हो भूखी सोई हो क्योंकि चाहे कोई कितना भी गरीब आ अपनी रोटी का इंतजाम तो सब करो लेवा भूखी पता कौन सो जिनका घर में कलेस रहता हूँ। और कलेस कदे भी पैसे की वजह तो नहीं होता लोगों की सोच की वजह तो वा। अच्छा एक बात बता ब्याह करा का अगला घर में तू जाएगा कि तेरी छोरी जागी? छोरी जाएगी तो फिर तना उसका पूछे एक बार भी क्यों ना कैसा छोरा चाहिए कैसा घर बार चाहिए क्योंकि जिंदगी तो उसने काटनी है नहीं तेरा क्या तो बैठा गड्डी में तोड़ देगा। मैनू नहीं कहता कि थम जानबूझ कर गलत डिसीजन लेवा अपनी जान में सब सही सोचा कि अच्छा घर बार हो मारी छोरी ना किस चीज़ की तंगी ना हुआ वाह खुश रहा पर थारा ऐसा सोचना कई बार बहुत गलत साबित हो जा क्योंकि पैसा बहुत कुछ आ पर सब कुछ नहीं। इस करके मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि छोरा देख तेरी छोरी वर्गा कर देख इज्जतदार सारी उम्र पछताना पड़ सका जे सिर्फ देखी कोठी कार। और हाँ एक बात और तो कहनी था कि ना तो मेरे पास जमीन ना मेरे पास सरकारी नौकरी तो किसी के कपड़े और उसका रहना सहना देख कर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लाना चाहिए क्योंकि जितनी सरकारी नौकरी वाला ये तनख्वाह नहीं है उसका दुगना तो मेरा महीना खर्च हो जा। पर यह बात मैंने थरता जाने का छुपाई दी क्योंकि जिंदगी में इतना तो सीख ही लिया कि रिश्ते उनका अकेला बनाने चाहिए जो अपना था प्यार करा अपने पैसे तने। कोई छोटी है पांचों आंगली कदे बराबर हुई है कि
एक सवाल है मेरा सारी ब्याह उड़िया ते आज लग बिना रोटी खाए कदे कोई सोई है के बिना गुंदे चुन बनी कदे लोई है के निम्मा धर्मी आली बात कितने रही नहीं है जा गलत है बेटी आले पर दहेज मांगना बंदला सरकारी टोना भी सही नहीं है।